तो भैया आज हम लोग मौजूद हैं शहरे कराची में और आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे बड़ा एक्सट्रीम अल्टीमेट स्ट्रीट फूड खाना जो कि आपको दुनिया के किसी और हिस्से किसी और कोने में नहीं मिलेगा सिवाय कराची के। We're going to be trying sweet, savory snacks and drinks. And if you enjoy our videos, please comment, like, share and subscribe to our channel. बहुत जरूरी है तो आ जाए खाना खाएं फिर चलो। So we are at Dumphel Sweets in Dimpoz ready for our extreme intense desi breakfast. तो भाई कराची आए और कराची का जोरदार किस्म का हलवा पूरी का नाश्ता ना करें तो क्या खाक कराची आए चले फिर आ जाओ। तो भैया हम लोग इस वक्त मौजूद हैं धमतल स्वीट्स पे और यहाँ पे हम लोग हलवा पूरी का नाश्ता करने आए हैं और ये जो है ये FB एरिया नसीराबाद में वाकई है और इस जगह के नाश्ते के बारे में मशहूर है कि आपको शायद ही कराची शहर में इस जैसा नाश्ता कहीं और मिले। तो हम देखते हैं भाई किस चीज़ की हाइप है इतनी। सो व्हेन यू ऑर्डर अ प्लेट या थाली जो है आपको पूरियाँ मिलती हैं, आलू की वो मिलती है, भाजी, एंड देन यू गेट हलवा, चने एंड अचार, एंड वी आल्सो जस्ट ऑर्डर्ड सम चाय। और यहाँ पे फैमिली सीटिंग एरिया है तो हम उधर बैठे हुए इस वक्त। लेट्स गो। अच्छा हलवा पूरी सबसे अच्छी बात यह है कि पूरियाँ जो हैं वो चिपचिप नहीं है, मतलब तेल में जो है वो अटी हुई नहीं है। काफ़ी जगहों पे मसला ये होता है कि पूरियों में तेल बहुत होता है या घी बहुत होता है, उसकी वजह से वो बहुत भारी हो जाती है खाने के बाद। ये पूरी जो है मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ऑयली नहीं है। तो मुझे फ्यूल मिल रहा है हमारे एक्सट्रीम कराची स्ट्रीट फूड टूर के लिए, लेकिन आई नीड सम चाय। तो कराची वालों का नाश्ता बगैर चाय के कप के जो है वो कम्प्लीट हो नहीं सकता, तो हमने भी यहाँ पर चाय ऑर्डर की है। तो अब हलवा पूरी हमने मन के खा लिया है, अब हमारा काम ये है कि हम लोग जाएँ और गोलगप्पे खाएँ, है ना। चलें आ जाए। तो कराची का अल्टीमेट स्नैक फूड जो है भाई वो गोलगप्पे हैं, जिनको यहाँ की आम जबान में पानी पूरी भी कहा जाता है। तो हम लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं एक ऐसी जगह जो हमारी नज़र में, हमारे ख्याल में कराची के नंबर वन और बेस्ट गोलगप्पे सर्व करती है। इस जगह का नाम है भाई मनपसंद, और मैं बताता चलूँ कि मनपसंद कहाँ वाक़ है। ये है बिल्कुल मस्कन अपार्टमेंट्स, मस्कन चौरंगी के नाम से एक जगह यहाँ पे जानी जाती है डिस्को के पास। बिल्कुल ऐसी है। और अभी हम शेयर करने वाले हैं आप सबके साथ ये मजेदार गोलगप्पे। मनपसंद की पानी पूरी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे जो ये पानी पूरी दी जाती है वो असेंबल करके तैयार करके आपको दी जाती है। उसमें चने भी होते हैं, उसमें चटनियाँ भी होती हैं, उसमें पापड़ी भी होती है, प्याज, ये सारी चीज़ें लवाजमात जो हैं पूरे मुकम्मल होते हैं। और वो सारी चीज़ें जो है जब आपके दिल में जाती है ना यार, वो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो भाई यहाँ पर गर्मा गर्म बड़े मज़ेदार किस्म के हमारे चीज़ें जो है वो चाट भी बन रही है, पानी पूरी भी है, चने पापड़ी भी है, यहाँ पर बघारे दही बड़े भी हैं। तो गोलगप्पा अगर आपको नहीं खाना आता, यू गेट द एक्चुअल गोलगप्पा। इन्होंने थैंक गॉड पूरी फिलिंग की हुई है, यू डंक इट इन द वाटर, मेरी चम्मच फ्लाई हुई लगी है। वाओ दैट वाज सो डिलीशियस, क्रिस्पी आउटर शेल जो कि खुद ही गोलगप्पा बनाते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें इमली की चटनी और जो मिर्चों वाली चटनी है उसका रेशियो परफेक्ट है, और ये पानी बिल्कुल ठंडा है। आई थिंक दिस लाइक आइस इन इट। वाओ सो गुड। So guys, मज़ेदार गोलगप्पे मैंने खा लिए हैं, एंड वी आर गोना जंप फ्रॉम वन स्नैक फूड टू द अदर। अब हम खाएंगे चना पापड़ी, एंड वी आर गोना गो टू बहादुराबाद। लेट्स गो। ये मज़े का वैसे हम लोग खाते हैं, बाली बच्चे खाते हैं। तो भाइयों और बहनों कराची का स्ट्रीट फूड टूर जो है वो बगैर चाट या गोलगप्पे खाए जो है मुकम्मल हो नहीं सकता। तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं हमारी पसंदीदा, हैंड्स डाउन हमारी पसंदीदा जगह चाट के लिए,
मैदान स्पॉट जो के भादराबाद चार मीनार चौरंगी पे वाकई है। तो जिन लोगों को नहीं पता भाई, ये बहुत अरसे से यहाँ पे मौजूद है ये दुकान, और हमारा पूरा बचपन जो है वो यहीं पे चाट खा के गुजरा है। हम हमेशा अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, घर वालों के साथ यहीं आते थे चाट खाने। और यहाँ की चाट की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये कि यहाँ की जो क्वालिटी है चाट की वो मतलब टॉप नॉच है यार। इससे अच्छी क्वालिटी आपको पूरे कराची में शायद ही मिले। सो द बेस्ट थिंग दैट आई लव अबाउट दिस चाट इज दैट दे सर्व इट रियली हॉट एवरी सिंगल टाइम। चने बिल्कुल गले होते हैं और चटनी और आपको मसाले ये एक्स्ट्रा दे देते हैं, लाइक अ फुल बॉक्स ऑफ इट। आई ड्रेंच इट इन चटनी एंड आई ईट इट लाइक अ क्रेजी पर्सन, बट इट इज हैंड्स डाउन माय फेवरेट चाट इन कराची। आई हैड इट अ फ्यू इयर्स अगो फॉर द फर्स्ट टाइम, उस दिन के बाद मुझे कहीं की चाट नहीं पसंद आई। अच्छा, और जो भाई चाट बनाते हैं वो माशाल्लाह से इतने माहिर हैं, मतलब इतने मतलब मंज गए हैं वो बना बना के चाट के। उनका हाथ ऐसे चलता है जैसे कोई मशीन है। उसमें वो मीठी चटनी, दही, खट्टी चटनी, पापड़ी, प्याज, और सबसे अच्छी चीज़ जो चाट को बेहतरीन बनाती है वो मेरे ख्याल से चने होते हैं। जैसे इंतसाल ने अभी मेंशन किया, चने जो हैं वो बिल्कुल नहायत गले हुए, बिल्कुल छोटे छोटे दाने, मतलब जैसे होने चाहिए चाट में। अमूमन काफ़ी जगहों पे चाट जो है वो मोटे चने यूज़ करते हैं और वो कच्चे रह जाते हैं, मतलब वो पूरी तरह गले नहीं होते हैं, जिसकी वजह से चाट जो है वो थोड़ी सी अधूरी लगती है। वो चाट नहीं लगती है, वो चमाट लगती है। और इसमें प्याज और पापड़ी का इस्तेमाल जो है वो दिल खोल के किया जाता है, तो उसकी वजह से इसको चार चांद लग जाते हैं। तो हम ये चाट जो है वो ट्राई करते हैं बगैर, तुम खिला दो यार मुझे। ओके, बिग बाइट। यार आई गॉट टू मेंशन कि मैं दिन में किसी भी वक्त ये खा सकती हूँ। आई हैव बीन हियर फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, आल्सो अ मिडनाइट स्नैक, एंड आई नेवर एवर एवर गेट सिक ऑफ दिस अमेजिंग चाट। तो अगर आप लोगों को भी अच्छी चाट खानी है कराची में, तो आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग आए चार मीनार चौरंगी पे, मैदान स्पॉट। यहाँ पे खिलौनों की दुकानें बनी हुई हैं मुतादिद, इनके बिल्कुल साथ कोने पे मैदान स्पॉट आपको मिल जाएगी। मैदान स्पॉट नाम याद रखिएगा, नाम है मेयार का और क्वालिटी का। तो यहाँ पे आए और इनकी चाट खाएं। भैया बिरयानी एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर कोने में, हर हिस्से में खाई जाती है और बनाई जाती है, लेकिन जो बिरयानी पाकिस्तान में मिलती है, बिलखसूस कराची शहर में मिलती है, वैसी बिरयानी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं लियाकताबाद में, और लियाकताबाद में जिस जगह हम लोग आए हुए हैं भाई, उस जगह का नाम है कादरी बिरयानी, और उस जगह का नाम है गौसिया नली बिरयानी। तो गौसिया नली बिरयानी की सबसे मशहूर बात, सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको बड़े बड़े नल्ले और हड्डियाँ देते हैं जिसमें गूदा होता है। तो वो गूदा जब आप चावलों में मिला के खाते हो तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है, और आपको ऐसी बिरयानी बाकी में पूरे कराची में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। पाप ऑफ ऑल बिरयानी है ये। मुझे लगा नारा इस ही बोलेगा। भैया कराची में मुख्तलिफ इकसाम की बिरयानियाँ मिलती हैं, कम मसाले से लेके ज़्यादा मसाले वाली, मुर्गी से लेके बीफ वाली, लेकिन गौसिया नली बिरयानी की जो सबसे अच्छी बात यह है, एक तो यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ की सर्विस है, क्विक सर्विस है, फ़ौरन आके वो मतलब आपके सामने बिरयानी रख देते हैं। ऊपर से ये देख रहे हैं आप बड़े बड़े धंधे और ढट्टे, इसमें से जो गूदा निकलता है वो जब चावलों के साथ बिरयानी में मिला के आप खाते तो वो जो जायका पूरा कमाल इसी का है। आपको कहीं ऐसी बिरयानी नहीं मिलेगी। उसके अलावा गोश्त जो है वो बिल्कुल गला हुआ है, तो रेशा मतलब ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ हाथ में, ये देखें बस ये इस तरह से जो है बोटी टूट जाती है, और जब ये बोटी मुँह में जाती है गूदे के साथ मिक्स हो गया, और चावल जो है वो खिले खिले वो एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। तो गौसिया नली बिरयानी जो है वो वाकई में बाकमाल है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। इससे अच्छी बिरयानी पूरे कराची में आपको कहीं नहीं मिल सकती। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, मैं गौसिया नली बिरयानी का खिदमत गुजार हूँ।
और ये आपकी अपनी दुकान है होसियन अली बिरयानी। और ये होसियन अली बिरयानी 1992 में स्टार्ट करी थी हमारे वालिद साहब ने, और आज ये 3 साल 9 महीने में इसको नली बिरयानी आप जैसे भाई लोगों के यूट्यूबर्स के ज़रिए नाम मिला। और आज अल्लाह की रहमत से लियाकताबाद, लियाकताबाद से कराची, कराची से पाकिस्तान, पाकिस्तान से निकल के आज ये वर्ल्ड फेमस है होसियन अली बिरयानी। आपकी मोहब्बतों से, आपके ताउन से, और आज आज हर खाने की जीनत है, हर दस्तरखान की जीनत है होसियन अली बिरयानी, क्योंकि हमारी अपनी पाकिस्तानी बिरयानी है। हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तान होने पे, अपनी पाकिस्तानी चीज़ें होने पे, क्योंकि पाकिस्तान हमारी पहचान है, हर चीज़ में पाकिस्तान को प्रमोट करें। क्योंकि होसियन अली बिरयानी जो है हमारी पाकिस्तानी डिश है, ये बगैर ऑयल बगैर घी में बनती है, इसमें तेल और घी कुछ भी नहीं डलता, क्योंकि ये नली बिरयानी है, ये नली और गोशी यखनी से बनती है। इसके हर चावल के हर दाने में अरोमा आता है खाने का, यखनी का, जो इसको होसियन अली बिरयानी कहता है, और फिर बंदा खाने और भाव कहने में मजबूर हो जाता है। यही आपकी मोहब्बत होसियन अली बिरयानी, बाप मॉल बिरयानी, ओनली बिरयानी अली, ओनली बिरयानी होसियन अली बिरयानी, आई लव यू। तो हम केबीज पहुंच चुके हैं एंड वी हैव ऑर्डर देयर ब्रांड न्यू ओरियो कोन। इसके ऊपर ओरियो को तोड़ के भी डाला हुआ है, चॉकलेट सिरप भी है, ओरियो एक पूरा है, चॉकलेट कोन है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है और मैंगो आइसक्रीम है। और इनकी मैंगो आइसक्रीम जैसी कोई आइसक्रीम कराची में आपको नहीं मिलेगी। आई एम गोना गो फॉर माय फर्स्ट बाइट। अच्छा, कराची में कई दुकानें आप लोगों को मिलेंगी जहाँ पे आप लोगों को एक से बढ़कर एक आइसक्रीम मिलेगी, लेकिन जो बात केबीज की आइसक्रीम की है वो कराची में किसी और आइसक्रीम की दुकान पे आपको नहीं मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आइसक्रीम का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल वैसी रहता है जैसा होना चाहिए। फ्लेवर जैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, मैंगो और स्ट्रॉबेरी हमने लिया है, यहाँ पे मैंगो का फ्लेवर जो रिच मैंगो का फ्लेवर है, उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कोई सिंथेटिक मैंगो का फ्लेवर है, वही है स्ट्रॉबेरी के साथ भी। और कॉफी का जो फ्लेवर है वो इम्तिसाल का फेवरेट है यहाँ का। अच्छा, इधर का जो कॉफी का फ्लेवर है इट्स लाइक हैविंग एन एफोगाटो, जैसे क्रीमी वनीला और कॉफी को मिक्स करें, बड़ा ही मजे का है, लेकिन आपको बहुत जल्दी जल्दी खानी होती है बिकॉज कराची की गर्मी में ये बहुत जल्दी पिघलती है। और इस कोन की सबसे अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पे आपको दो मिलेंगी, एक तो 130 वाली मिलती है, एक 160 में मिलती है। तो ये 160 वाली कोन है और इसके अंदर ओरियो बिस्किट जो है उन्होंने दिया है, और ये कोन जो है ये ओरियो कोन है। और इसकी सबसे फिट चीज़ है ये है कि ये जो इसका बिस्किट है ना, ये जो आप इसका वेफर देख रहे हैं वो बहुत क्रिस्प, बहुत मजेदार है, वो मतलब वैसा नहीं है जैसा आम दुकानों पर मिलता है, वो बिल्कुल मुँह में जाके सॉफ्ट हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है केबीज की कोन की, तो हम लोग केबीज की कोन को देंगे 10 out of 10। For me it's a solid 10 out of 10। चले भाई। अरे हथा पका रे ये मेहंदी लगोरी, सिनिए चपा दे ये सुर्खी मखोड़ी, चिंदरेरा टुकड़ो ला। तो इस कराची की हीट को बीट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ एक लस्सी का ठंडा ठंडा ग्लास है। तो आई एम गोना ट्राई दिस लस्सी एंड वेयर आर वी। हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त बंस रोड पे, और बंस रोड पे जिस जगह हम लोग आए हुए हैं इसका नाम है पंजाब लस्सी हाउस। तो इनका दावा यह है कि भाई इनकी लस्सी जो है पूरे कराची में आपको इस जैसी लस्सी कहीं yeah. मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि ऊपर जो है वो दही के ऊपर जो आप तह देखते हैं मलाई की, मलाई की वो इसके ऊपर डाल देते हैं, और बेहतरीन किस्म की लजीज जो है वो लस्सी है। लेने का टाइम आ गया, यहाँ पे मैं पहला घूट लेने वाला हूँ इसका। I had a really really big sip and it was so good. तो यार वाकई में वो अच्छा ही क्रीम किस्म की लस्सी है, जबरदस्त किस्म की। ये लस्सी जो है इट्स रियली रियली थिक इन टेक्सचर। कुछ लस्सियाँ जो होती है बहुत थिन होती है ना, जैसे पानी जैसे, दिस इज नॉट वन ऑफ देम, इट्स सुपर थिक लाइक अ मिल्क शेक। मजा आ गया जी, मजा आ गया। तो कराची की गर्मी तो वाकई में इम्तिसाल ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, कराची जैसी गर्मी जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं पड़ती, पड़ती होगी और भी जगहों पे, लेकिन कराची की गर्मी पसीने निकलवा देने वाली गर्मी होती है, इसलिए लस्सी जो है वो बहुत ज़रूरी है। भैया लस्सी पी के हमारा मुँह जो है वो मीठा हो गया था, अब बारी आ गई है किसी नमकीन आइटम की, हम लोग जाएंगे सबसे पहले क्या हलीम खा लें। कराची हलीम, हलीम आ जाओ चलो। Thank you.
तो हलीम एक ऐसा आइटम है भाई जो हर पाकिस्तानी खाना पसंद करता है। यहाँ पे मजेदार किस्म का बीफ हलीम जो है वो खा रहे हैं। ऊपर आप लोग देख रहे हैं सारे लवाजमात जो है उसके ऊपर है, तली भी प्याज है उसके ऊपर क्या है, और पुदीना है, जिंजर के पीस है। और हलीम अगर आपको नहीं पता क्या होता है, इसमें गेहूँ दालें मीट चावल एवरीथिंग इज लाइक कुक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और ये बड़ी मजे की डिश हो जाती है। आज मौसम में थोड़ा मजे का और है, गर्मा गर्म बेहतरीन किस्म का हलीम है ये। अच्छा, हलीम जो है पाकिस्तान के हर शहर हर कोने में मिलता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कराची जैसा हलीम आपको कहीं और पाकिस्तान में मिल सकता है या पूरी दुनिया में कहीं और मिल सकता है। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको घोट घोट के वो पूरा मेरे ख्याल से रात लगा देते हैं। हम लोग जब मुहर्रम होते थे यहाँ पे हलीम बनाते थे, सारे दोस्त यार मिलके जो है वो घोटा लगा देते हैं, उसके बाद जो हलीम बनता है ना जो तैयार होता है वैसा हलीम शायद ही कहीं मिले। गर्मा गर्म जलेबी बन रही है एंड ओ माय गॉड, आई थिंक आई शुड ट्राई सम, दिस इज डेफिनेटली अ स्ट्रीट फूड, लेट्स ऑर्डर। ये है फ्रेस्को की गर्म गर्म जलेबी और इससे गर्म शीरा निकल रहा है, इट इज सुपर क्रिस्पी एंड आई हैव माय शुगर फ्री फॉर द डे, लेट्स गो। तो हम लोग इस वक्त बंस रोड से जिस जगह पहुंच चुके हैं, इस जगह का नाम है भाई आजाद बन कबाब, और इनका दावा ये है कि ये पाकिस्तान आजाद होने के बाद से यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे बन कबाब बेच रहे हैं। लजीज पूरा कमाल किस्म का बेहतरीन बन कबाब, और हम लोग आज यही ट्राई करने आए हैं। वो बन कबाब की अच्छी बात है यहाँ के वो ये है कि ये जो बन है ये देख रहे हैं आप लोग, ये अलग दिया जाता है कबाब जो है अलग दिया जाता है, प्याज रायता सलाद की सारी चीजें अलग दी जाती है, तो आप खुद कबाब उस पर रखते हो आपके पास सब्जी रायता सलाद ये प्याज ठंडे के लिए फोन करते हो, और फिर जब आप गर्मा गर्म पहली बाइट लेते हो ना आपके सारे पैसे आपकी सारी थकत जो है वो दूर हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा जवाबदार नहीं है, बाकी जगहों पे मसला ये होता है कि चटनियाँ इतनी डाल देते हैं कि ऊपर कबाब का जो कबाब का जायका होता है वो गायब हो जाता है। इसकी अच्छी बात यह है कि खाली सिंपल सी हरा धनिया पुदीने वाली चटनी है उसके साथ में, उसके साथ प्याज है, उसके साथ बन है, तो बस ये तीन चीजें हैं जो कि बन कबाब को बन कबाब बनाती हैं। अच्छा, तो इस बन कबाब की पैटी के ऊपर इन्होंने अंडा या कुछ ऐसा लगा हुआ है पूरी दुनिया के बर्गर एक साइड है और पाकिस्तान का कराची का बन कबाब एक साइड है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन एंड आई गिव टू बन कबाब एन 8 आउट ऑफ 10, आई थिंक इट्स अमेजिंग, आई विश इट वाज बिगर। मजेदार बन कबाब हमने खा लिया है और अब बारी आ गई है रबड़ी की। तो भाई इस जगह से ये देली रबड़ी हाउस में बहुत पुरानी यादें वाबस्ता हैं। मुझे याद है मैं अपने दादा का हाथ पकड़ के बचपन में यहाँ पे आता था छोटी उम्र में, और उनसे जिद करके यहाँ की रबड़ी जो है वो खरीदता था और कहता था कि यार मुझे रोज़ चाहिए रबड़ी। और यहाँ की खीर भी बहुत मशहूर है जो सकोरियों में मिलती है, और वो खाने के बाद हम लोग हमेशा उसको तोड़ दिया करते थे नीचे मार के पटकते थे जोर से। तो आज हम लोग फिर से पहुँच चुके हैं देली रबड़ी हाउस, तो यहाँ की रबड़ी खाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि ये वही टेस्ट है जो हमने 20 साल पहले। मैंने रबड़ी फर्स्ट टाइम कराची में ही खाई है एंड दिस इज द ओनली प्लेस आई एवर हैड इट फ्रॉम। इफ यू डोंट नो व्हाट रबड़ी इज, इट्स लाइक अ मिल्की स्वीट डिजर्ट, आई थिंक वो कुक करते हैं मिल्क को एंड इट बिकम्स दिस लाइक रियली थिक कस्टर्ड टाइप थिंग। ओह माय गॉड, इट्स सुपर डिलीशियस। इसको सही खाने का तरीका ये है कि आप लोग स्ट्रीट के ऊपर खड़े होके चम्मच में एक बड़ी बाइट लें, ताकि यहीं की जो पोल्यूशन है यहाँ का जो धुआं है वो रबड़ी में जब मिक्स होता है ना जाके और जब मुंह में जाके उसका जायका आता है भाई, वो चार चांद लगा देता है रबड़ी को, तो यार काफी इंटेंसली स्वीट है, टेस्ट लाइक कंडेंस्ड मिल्क टू मी, आई रियली लाइक इट, या आई रियली लाइक इट। ओह
तो भैया इसी के साथ बारी आ चुकी है गर्मा गर्म शीरे वाली गुलाब जामुन खाने की। हम लोग अभी बंस रोड पे मौजूद हैं, वहीद के बिल्कुल सामने लाल साहब के नाम से ठेला लगा हुआ है जहाँ शीरे वाली गुलाब जामुन मिल रही है। और क्या लजीज गुलाब जामुन है, मैं ऑलरेडी एक खा चुका हूँ। इंतजार I had one. It is मतलब बिल्कुल perfect ratio है sweetness का। खा के तो दिखाओ लोगों को। And it is बनाया थोड़ी मैंने कुछ चाहिए। Oh my god, milky और rosy भी taste है, बिल्कुल गर्म है, that's what makes it amazing. अच्छा सबसे अच्छी बात इसकी ये है गुलाब जामुन की, ये ओवर पावरिंग नहीं है। मतलब मुझे दूर से देख के लग रहा था कि ये शीरे में इन्होंने डुबोई हुई है तो उसकी वजह से काफ़ी मिठास होगी, लेकिन मिठास जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो कोई भी बंदा खा सकता है। शुगर पेशेंट के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मीठी है, लेकिन है बहुत मज़े की। तो भैया कोई भी वीडियो कराची स्ट्रीट फूड की बगैर वहीद के कबाब खाए या वहीद आए जो है पूरी नहीं हो सकती, तो इसलिए हम लोग वहीद पहुंच चुके हैं और यहाँ की निहारी जो है उम्दा किस्म की वो फोड़ने वाले हैं, उसके साथ फ्राई कबाब और एक सीक्रेट आइटम। सीक्रेट आइटम वीडियो के आखिर में पता चलेगा, तो इसलिए वीडियो पूरी देखनी है, आखिर तक देखनी है और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अच्छा फिर हाँ चले, वहीद के कबाब हैव बीन एस्टैब्लिश्ड सिंस 1961 एंड तारी टोल्ड मी दैट दे आर प्रीटी स्पाइसी, लेकिन आई थिंक मैं कराची की स्पाइस हैंडल अब कर सकती हूँ। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कराची वाला तो खा सकता है वहीद के कबाब, देखते हैं बाहर वाले लोग जो है वो खाते हैं पसंद करते हैं। आई विल सी अबाउट दैट। तो भाई निहारी जो है वो बहुत ही ज़ोरदार, बहुत लजीज, बहुत उम्दा है। उसके साथ यहाँ पे हमने मंगवाए थे फ्राई कबाब। तो फ्राई कबाब की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें या तो वो जो अमूमन काफ़ी जगहों पे देखा जाता है कि घी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तरी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वो फ्राई कबाब का जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। इसमें जो है तरी जो है बिल्कुल उतनी है जितनी होनी चाहिए। और यहाँ पर इम्तिसाल ने मुझे निवाला बना के दिया है। ये बोले ना कुछ मैं बता रही हूँ, बहुत मज़े का है, स्पाइसी है, लाइक देयर इज अ रियल किक टू इट और मसाले बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, इट्स नॉट टू ऑयली, इट्स परफेक्शन। मेरे हिसाब से परफेक्ट 10/10 है कबाब और निहारी। और एक और सीक्रेट आइटम है जो अभी हम ट्राई करने वाले हैं, तो इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म कर दें, लोगों को सरप्राइज बता देंगे क्या है एंड ऑफ द वीडियो। चलें आखिर तक देख लो यार, पता चल जाएगा आप लोगों को। तो भैया हम लोग इस वक्त मौजूद हैं धोरा जी में, और धोरा जी में हम लोग खा रहे हैं सबसे बेहतरीन किस्म का रंग बिरंगा गोला, गोला गंडा जिसको कहते हैं हम लोग आम जबान में। तो इम्तिसाल यहाँ पे फर्स्ट बाइट लेगी, टेस्ट टेस्ट क्या ख्याल आते हैं और क्या तासुरात हैं, गोला गंडा खा के कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा, ये हमने तो यहाँ पे लिया है, ये है बिल्कुल सिंपल गोला गंडा, स्पेशल भी होता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसमें नट्स होते हैं, उसमें जेली होती है, उसमें पता नहीं दुनिया जहाँ की चीज़ें होती हैं। ये सिंपल है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसमें खाली फ्लेवर्स हैं जो कि रंग बिरंगे शरबत होते हैं वो सारे इसके अंदर हैं। इसमें कुमेल है, इसमें चॉकलेट है और इसके ऊपर जेली हमने थोड़ी सी डलवाई है। सो इन पाकिस्तान गोला गंडा इज अमेजिंग बिकॉज़ नॉट ओनली डज इट हैव द फ्लेवर्स, इसमें कुमेल है व्हिच इज लाइक मेक्स इट सो मच बेटर, और जो चॉकलेट इसमें डालते हैं वो जम जाती है, और फिर जेली का ये सब टोटल कॉम्बिनेशन अमेजिंग है। आई वुड गिव दिस लाइक सॉलिड 10, और पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान का गोला गंडा खाया था, मैं हाई हो गई। अच्छा तो अब हाई होने का टाइम आ गया, भाई भी खाएगा, भाई भी हाई होना चाहता है। मैं सबसे पहले जो है थोड़ा सा ये ड्रिंक करके देखता हूँ। अच्छा मिल्क शेक बन गया ना, कमेल हो गया। मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पे जो बर्फ़ है इसके अंदर उसकी 3 या 4 मेरे ख्याल से तय है, वो लेयर्स हैं, खाली एक लेयर नहीं है। अमूमन काफ़ी जगहों पर यह होता है कि बर्फ़ की एक तय लगाते हैं, उसके बाद फिर वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इस पर 3 या 4 लेयर्स हैं तो वो आराम से जो है उसने अपनी जगह रखी हुई है, पकड़ी हुई है, वो मेल्ट नहीं हो रही। उसके ऊपर जो है फ्लेवर है, उसके ऊपर चॉकलेट है और जेली जो कमाल कर रही है मैं बता नहीं सकता। मज़ेदार गोला गंडा है, मतलब इतना भारी खाना खाने के बाद इस तरह का गोला गंडा अगर आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो सुधर जाती है। तो मेरी ज़िंदगी सुधर गई है। अगर आप चीज़ों के लवर हैं लाइक मी, दिस इज योर आइडियल आइडियल डिनर। और इतना मीठा खाने के बाद कुछ नमकीन जो है वो बनता है तो खीरी हो जाए फिर है? हो जाए? मैं बताता हूँ क्या है, खीरी आ जाए, जरा खीरी दिखाता हूँ आप लोगों को।
तो इफ यू हैव मेड इट टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, आपको पता होगा ये हमारा बोनस और अमेजिंग आइटम है. सो अगर आप वंडर करेंगे क्या है, इट इज कॉल्ड खीरी. तानी वाज लाइक यू हैव टू ट्राई इट, सीम्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गन. ऐसे ही खा लूँ या रोटी के साथ खाऊं? आई एम गोइंग इन फॉर द बाइट. बस कलमा पढ़ो और खीरी खाओ. क्या कलमा पढ़ो और खीरी खाओ? इट्स सो सॉफ्ट. अब बता दूं क्या है? नली है. नल्ली के जैसे टेक्सचर है. इट्स रियली रियली सॉफ्ट. आई एक्चुअली रियली लाइक इट. नहीं इनएक्चुअली मिर्च है. तो अगर आप सब खीरी ट्राई करेंगे तो प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं. एंड इफ यू एंजॉयड आवर कराची स्ट्रीट फूड, प्लीज डेफिनेटली टेल अस इन द कमेंट्स सो वी कैन मेक मोर क्रेजी स्ट्रीट फूड वीडियोस. मुझे थोड़ी बहुत मिर्ची लग रही है तो मैं जल्दी से पानी पीऊंगी. तो वक्त आ गया है कि इसी शानदार और मीठे नोट पर तानी और इमी इस खूबसूरत फुल ऑफ एक्साइटमेंट फुल ऑफ एडवेंचर पाकिस्तान सीरीज को एंड करें और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ें कि अब जो नेक्स्ट सीरीज आप लोगों के सामने पेश की जाएगी वो हमारी पिछली सीरीज से मजीद इंटरटेनिंग और एक्साइटिंग होगी. तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और अपने आइडियाज जो है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताते रहें ताकि हम इसी तरह आप लोगों के साथ पूरी दुनिया की सैर करें. तो चलें फिर